देवास में घर में रात्रि जागरण कार्यक्रम के बाद परिजन चैन की नींद सो गए थे। इसी बीच अज्ञात चोर चोरी करने की नीयत से घर में घुसा और फर्श पर सो रही महिला के गले से सोने की चेन खींची, जिससे महिला की नींद खुली तो हड़बड़ाहट में आधी चेन चोर के हाथ में आ गई और आधी महिला के हाथ में रह गई। महिला ने शोर मचाया, परिजन जागते उससे पहले ही चोर वहां से 9:11 हो गया। चोरी होने की सूचना परिजनों ने सुबह पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। परिजनों ने बताया कि अज्ञात चोर घर के पीछे की ओर से घुसा था, जिसने खूंटी पर टंगे कपड़ों को भी टटोला, जिसमें दो लोगों के पैंट और शर्ट की जेब से नकदी रुपए भी निकाल लिए थे। पैंट छत पर फेंक कर वह फरार हो गया था। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार मदनलाल विजयवर्गीय निवासी अलकापुरी के घर पर सोमवार रात रात्रि जागरण का कार्यक्रम था। देर रात 2 बजे बाद घर के सभी सदस्य सो गए थे। मंगलवार तड़के करीब 4:30 बजे घर के पीछे की ओर से एक अज्ञात बदमाश आया और मदनलाल विजयवर्गीय की बेटी कविता, जो फर्श पर सो रही थी, उनके गले से करीब 1.5 तोले की सोने की चेन झपटी ही थी। इस दौरान उनकी बेटी ने हड़बड़ाहट में चेन पकड़ी तो वह बीच में से टूट गई और बदमाश आधी चेन लेकर फरार हो गया। महिला ने अपने परिजनों को उठाया, तब तक बदमाश भाग चुका था। इसके साथ ही परिजनों ने बताया कि घर में खूंटी पर टंगे कपड़े, जिसमें एक पैंट और शर्ट में भी नकद रखे कुल 2,000 रुपए छोड़ ले गया। उन्होंने बताया कि पैंट छत पर मिली थी। इस घटना के बाद परिजनों ने चोरी होने की सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। परिजनों ने बताया कि करीब 3 माह पूर्व मदनलाल विजयवर्गीय के बड़े भाई इसके घर के पीछे की ओर रहते हैं, वहां पर भी अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अब उनके घर पर चोर ने चोरी कर वारदात को अंजाम दिया है। रात को 4:30 के करीब आया अंदर और एकदम गले पे एकदम उसने मेरा हाथ डाला तो चेन जो थी ना वो आधी तो मेरे हाथ में रह गई, आधी उसके पास चली गई और मैं घबरा के उठी और चिल्लाए, जब तक देखा तो वो भाग गया था। और नकाब पहना हुआ था, जींस टी शर्ट में था और ज़्यादा एज का नहीं लग रहा था, दुबला पतला ही था लड़का। अच्छा, आपने उसको चिल्ला चोट करी हो या आपने पीछे करने की कोशिश करी थी क्या उसका? नहीं, जब तक चिल्ला के उठे और सब संभलते उतनी देर में तो वो भाग निकला था। अच्छा, क्या नाम है आपका? कविता विजयवर्गीय। तो कितने तोले की चेन थी या मंगलसूत्र? 1.5 से 2 के बीच में थी। अच्छा, आपने पुलिस कंप्लेंट लिखाई है अभी? हाँ। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।